जय साई राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट। स्वागत करता हूँ आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम मेरे नाम से है, बृजमोहन सूरी। आप यदि गूगल में टाइप करेंगे, यूट्यूब में टाइप करेंगे तो ये चैनल खुल जाएगा, विभिन्न वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। आज का हमारा विषय है कि कौन से ऐसे घर हैं जिनमें हमें खाना कभी नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा है कि कुछ एक घरों में खाना नहीं खाना चाहिए, और यदि है तो ऐसे कौन से घर हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि हमें कुछ एक ऐसे घर हैं जहां से खाना नहीं खाना चाहिए, जहां पर व्यक्ति सदैव किसी की आलोचना करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सदैव अपने आप को कोसते रहते हैं, हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ छोड़कर नहीं गए, हम तो कर्जे में डबे हुए हैं, हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारे पति अच्छे नहीं हैं, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, लोगों के बच्चे इतने अच्छे होते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, फला 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 फला। यानी सदैव रोते रहना, सदैव नेगेटिव बातें करते रहना, सदैव दूसरों को कोसते रहना, इससे क्या होता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन उनके घर में सदा सदा के लिए वास कर लेती है। मैं आपको बताता रहता हूं सदैव कि दो तरह की वाइब्रेशन हमारे परिवार में या हमारे घर के ऊपर से गुजरती हैं, एक नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन ऊपर की ओर उठती है, और जो ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन गुजर रही होती है उसके साथ जाकर जुड़ जाती है, और तेजी से नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे परिवार में आने लगती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी से निकलती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है, और ऊपर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहले से बह रही है उसको जाकर जुड़ जाती है, और तेजी से पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे परिवार में हमारे घर की तरफ बढ़ने लगती है। यानी नेगेटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये अब हमने सोचना है कि हमने कौन सी वाइब्रेशन लेनी है। जो लोग सदैव नेगेटिव ही रहते हैं, कभी कभार एक व्यक्ति यदि पॉजिटिव हो भी गया तो परिवार के बाकी सदस्य नेगेटिव रहते हैं, उनके घर में नेगेटिविटी सदैव के लिए वास कर लेती है। बड़ी मुश्किल से यदि थोड़ी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती भी है तो फिर नेगेटिव होकर वो वाइब्रेशन खींच लेते हैं, जो कि उनके खाने में आ जाती है, उनके पैसे में आ जाती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के दुख कम होने का नाम नहीं लेते। मेरे एक रिलेटिव है, उनका घर नहीं बनता, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए परंतु कोसते रहते थे, हमारे पिताजी तो कुछ करके नहीं गए, मेरे को बहनों की शादी करनी पड़ी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उनका पैसा किसी ना किसी ढंग से खर्च हो जाता और फिर घर नहीं बनता है। हमें यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को देखना पड़ेगा। आप देखकर देखिए, आप किसी व्यक्ति में बहुत बुराइयां देखते हो, कभी उसको उसकी अच्छाई की वजह से देखो तो वही व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा और आपके खुद में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। खैर, यहां पर विषय यह है कि किन घरों में खाना नहीं खाना है। तो मैंने बताया कि जो लोग बहुत बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, उन घरों में कभी भी खाना नहीं खाना है, क्योंकि वहां से उस खाने में ढेरों लाखों की संख्या में नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जाएगी, और वह वाइब्रेशन आपको बहुत अधिक अधीर कर देगी, और वो वाइब्रेशन लेकर आप अपने घर आ जाओगे, आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, आपके बहुत सारे कार्य यदि आपने उसी समय करने होंगे, डिसीजन लेने होंगे, आप नेगेटिव डिसीजन ले जाओगे, गलत डिसीजन ले जाओगे। तो इसलिए ऐसे घरों में कभी भी खाना नहीं खाना है। आप देखते होंगे कि जब कोई रो रहा है आप उसके पास बैठे हो, कोई कलप रहा है उसके पास बैठे हो, तो एकाएक आपका बच्चा आपके पास आ जाता है तो आप उसको भी डांट देते हो। ये क्या है?
अभी आप अपने घर में बच्चे को प्यार कर रहे थे, परंतु आप पड़ोसियों के साथ बैठे वो नेगेटिव बातें कर रहे थे, तो एक एक बच्चा आया, आपने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि आप में नेगेटिव वाइब्रेशन आ गई, आपकी सोच नेगेटिव हो गई और आपको गुस्सा आ गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं, तो इसलिए आपको समय समय पर ध्यान रखना होगा कि किसके घर में खाना है, किसके घर में नहीं खाना है, ये सब ध्यान देना है। तो आप मुझे इजाज़त दें, और यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने योग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना होगा। उसके लिए फीस होती है, फीस हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर कीजिए, 4-5 दिन में जवाब मिल जाता है। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।